हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संकल्प, और जो आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपको नीट में 200 से 300 आप स्कोर कर रहे हो तो आपको आगे क्या करना चाहिए। अभी रिसेंटली 4 जून को अपना नीट का रिजल्ट आया है, और अगर उस नीट के रिजल्ट में आप 200 से 300 स्कोर कर रहे हो और आपको MBBS ही करना है और वो भी लो बजट में करना है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि आप रशिया से MBBS करिए। तो गाइस देखो, अगर इंडिया में आपको प्राइवेट MBBS करना है तो प्राइवेट MBBS का जो फीस होता है वो काफ़ी हाई होता है, और एज़ कम्पेयर टू इंडिया आप रशिया से अगर करते हो तो रशिया का जो प्राइस है वो आपके बजट में आता है और आप बहुत अच्छे से MBBS कर पाओगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से टीचिंग होती है, आपको अच्छा खासा वर्ल्ड वाइज एक्सपोजर भी मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है रशिया से MBBS करने के लिए वो आपको ये है कि आप पहले तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि इस साल का जो कट ऑफ है जनरल का जो गया 164, OBC और अदर कास्ट का जो कट ऑफ गया वो गया 129। अगर आप इन कट ऑफ मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आप यहाँ से MBBS करने के लिए एलिजिबल हो। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके 12th में जो PCB मिलाकर 50% के ऊपर आना चाहिए। मैंने आपको दोनों क्राइटेरिया बता दिया है, अगर आप ये क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हो तो आप अपना जो एडमिशन है आप तुरंत से तुरंत कर दीजिए, क्योंकि रशिया में एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड सीट होती है। तो आप अपनी सीट बुक कर लीजिए, अपना ड्रीम आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप जल्दी से जल्दी सीट बुक करते हो। अगर आपको मेरी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे सेम इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।